हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB में टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंट्स टेनो रिक्रूटमेंट की 2019 के अनुसार हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कंप्यूटर इस बारे में बात करेंगे, इसकी लास्ट डेट के बारे में और कंप्यूटर इसकी फीस के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्या रहेगी, इसमें वैकेंसी भी कितनी रहेंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर करेंसीज में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिल्ली सुबॉर्डिनेट सर्विस DSSB की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। 5/2020 की एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यहाँ पे हम बात करेंगे। रिक्रूटमेंट 2020 के अनुसार इसमें इसकी स्टार्टिंग डेट है 28 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट रहेगी 27 फरवरी 2020 तक अपने फॉर्म भरे जाएंगे, यानी अपना फॉर्म भर लें। ठीक है, और इसके यहाँ पे हम बात करेंगे जो इच्छुक हैं कैंडिडेट यानी टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट स्टेनो के रिक्रूटमेंट की वैकेंसी के बारे में। इसकी जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये का आपको चालान पे करना होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं SC ST PWD कैंडिडेट हैं जो फीमेल हैं, एक्सपीरियंस उनके लिए नील चालान रहेगा, कोई चालान पे नहीं करना होगा। ठीक है, जो चालान पे करेंगे वो कैसे कर सकते हैं यहाँ देख सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड से, रुपए कार्ड से। ठीक है, अपने चालान पे कर सकते हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी होंगी 297 में वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, जिसमें एज लिमिट रहेगी 18 से 27 साल रहेगी और एज में छूट दी जाएगी OBC SC ST को, फीमेल कैंडिडेट को अलग अलग छूट दी जाएगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास रहेगी और 100 टाइपिंग भी होगी स्पीड की, 100 WP यानी 100 की WPM होगी और टाइपिंग स्पीड होगी इंग्लिश में यहाँ पे 40 के दिखा रखे हैं। जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, 12th पेज में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 35 WPM की टाइपिंग इंग्लिश में और 30 WPM हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए, वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिखा रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर दिखा रखी है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अनुसार। ठीक है, कंप्यूटर चेक कर सकते हैं और अब हम बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी के बारे में। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कोड देखने को मिल जाएगा पोस्ट कोड का और पोस्ट नेम यहाँ पे इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगे, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और यहाँ पे टोटल वैकेंसियाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ दिखा रखी हैं। ठीक है, जो अपना फॉर्म भरना चाहें जिस कैटेगरी से एलिजिबल हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर लिए। ठीक है, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं कैरियर करेंसीज के नाम से। ठीक है, इसके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिएगा, वहाँ से हम डायरेक्ट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी कंप्लीटली। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर से बताएं और हमारे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।